एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और दो चपातियां देती है, जिसे औरंगजेब कहा जाता है। ए बेटे, तू अजब मुसलमानी बबिंदा, आप तरसानी जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में। हम दोनों भैया जी हाँ दोस्तों, कुमार जी जिन दो संस्कृतियों की बात कर रहे हैं उसमें तो एक अपनी भारतीय संस्कृति ही है जो सनातन संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। उसमें शिवाजी जैसे, पृथ्वीराज सिंह जैसे लोग पैदा होते हैं, जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है और उन्होंने पुत्र के रूप में अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए राज्य को छोड़ दिया और वनवास को खुशी खुशी प्राप्त किया। तो भारतीय संस्कृति ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया हुआ है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुमार जी ने अपनी मीठी वाणी से इसको जिस तरह से इसका वर्णन किया हुआ है, सुनकर आनंद आ जाएगा आपको। दो प्रकार की संस्कृति है साहब, मुझे क्षमा करेंगे कहते हो। एक संस्कृति है जो सत्ता के लिए अपने पिता को बंद कर देती है और आधी मटकी पानी और एक रकाबी शोरा और दो चपातियां देती है, जिसे औरंगजेब कहा जाता है। जब उसने शाहजहां को बंद करा तो शाहजहां शायर था फारसी का, उसने अपनी बेटी जहां आरा से कहा कि अपने भाई से कहो गर्मी बहुत हो रही है, ये मटकी थोड़ी आधी टूटी हुई है, अगर पूरी मटकी पानी दे दिया करे तो जरा मेरे दिन ठीक गुजर जाएंगे। जहां आरा ने कहा कि भैया अब्बा हुजूर चाहते हैं कि मटकी में पानी ज्यादा हो, झुंझलाए हुए औरंगजेब ने कहा उनसे कहो तमीज में रहें, मैं जिंदा छोड़े हुए ये बड़ी बात है, जितना पानी मिल रहा है पी लें। एक चिट्ठी फारसी में एक रुबाई लिखकर भेजी शाहजहां ने अपने बेटे को, ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बापिदरे आप जिंदा तरसानी। हिंदी में बता देता हूं, आप अपनी संस्कृति पर गदगद हो जाएंगे, जय घोष गूंजेगा यहां। लिखा बेटा तू और मैं अजब प्रकार के इस्लाम मानने वाले आए, जो इस देश में तो आए लेकिन इस देश को ना समझ पाए, एक तू है जिंदा आप तरसानी। पिसर माने बेटे, ए बेटे तू अजब मुसलमानी बबिंदा, आप तरसानी जो अपने जिंदा पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। और एक ये भारतीय हैं जिन पर हम राज्य करते हैं, ये अपने दिवंगत पूर्वजों को भी महीने भर पानी पिलाते हैं श्राद्ध में। हम दोनों भैया, ये संस्कृतियों का विभेद है, ये वैचारिकी का विभेद है। सत्ताओं से देश नहीं बनते, संस्कृतियों के पुनर्निरीक्षण से, उनके रक्षण से देश बनते हैं। लोग पूछते हैं ना कि इन मठों मंदिरों इन कथावाचकों का क्या योगदान है। नेता अक्सर पूछते हैं कि यहां बैठे हैं कई नेता, बुरा ना मान जाएं, कि साहब इनका क्या योगदान है। तुम ईंट मिट्टी से, संविधान की मान्यताओं से, नियमों से, कानूनों से किसी राष्ट्र का शरीर बना सकते हो, लेकिन उस राष्ट्र की सात्विक आत्मा का निर्माण तो साधु करता है, संत करता है, मठ करता है, तीर्थ करता है।